योगी सरकार में बदमाशों के हौसले कम नहीं हुए हैं। आज मेरठ में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों में फल मंडी के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। मंडी के तमाम व्यापारियों ने ऐलान किया है कि जब तक हथियारों को पकड़ नहीं लिया जाता तब तक मंडी में हड़ताल रहेगी। उधर बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस समय अध्यक्ष के पास एक बलराज नाम का सिपाही बैठा था। गोली चलते ही वे भी मौके से फरार हो गया, लेकिन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने कई टीमें लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद व्यापारियों ने जाम लगा दिया है। 10 बजे के आसपास की आसपास जी। क्या नाम है? मेरा नाम शादाब है। शादाब भाई, ये क्या घटना हुई है कि कौन लोग थे हमलावर, कितने लोग थे? हमलावर दो थे, एक बाइक पे वहाँ बैठा हुआ था और एक आया था यहाँ पर। जो बाइक पे बैठा था वो उस पे था हेलमेट लगाए हुए, एक वो यहाँ पर आया और हम यहाँ पर काम कर रहे थे। तो एक जना और बैठा था उसके साथ, पुलिस वाला बलराज और प्रधान जी ऐसे बैठे थे। बस पीछे से आके उसने गोली मार दिया। जैसे हमने खड़ा हो गए, नाश्ता मंगाया था प्रधान जी ने, तो एकदम खड़े होकर देखा हमने तो एकदम प्रधान जी नीचे पड़े हुए थे। फिर जब मैंने हमने देखा उसे तो उन्होंने कहा अरे हटो हटो यहाँ से, पिस्टल दिखा के, वाली पिस्टल वो थी उसकी आगे जो नोक सी निकली रहती है पीछे करके, ऐसे उन्होंने ऐसे करा उसने, फिर करके उसे ऐसी उसमें थैले में रख लिया उसने, एकदम सीधा ऐसे चला गया वहाँ। तो क्या लगा कि देखने से कोई पहचान हो पाई, कौन सी बाइक पे थे? नहीं, बाइक मैंने इतनी दूर से नहीं देखी, तो हम उनको देख रहे थे उन्हें जी। फिर उसके बाद क्या किया? एकदम वो चले गए, हम प्रधान जी को उठाने में रहे, बस इतनी देर में वो चला गया वहाँ। कोई अभी तो भाई साहब मेरे कुछ नहीं जी। क्या लगता है आप? हाँ जी, कर्मचारी मैं मुंशी हूँ उनका जी, शादाब। नहीं, हम लेकर गए गाड़ी में। इस वारदात में मंडी के तमाम व्यापारियों में खासा गुस्सा है, उनमें काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि जब तक बदमाशों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मंडी में हड़ताल रहेगी। प्रधान जी की गोली लगकर चेक कर रही है, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से पुलिस जांच कर रही है? अभी कुछ एक घंटे पहले की घटना है, प्रधान जी थे, काफी मंडी में थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और लोग अभी मौके पे हैं। हमारे बाकी लोग भी हो गया सर, उसमें जिन लोगों ने ये किया है बहुत अच्छे सर, उनके खिलाफ हम लोग रासुका की कार्रवाई करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो हम लोग करेंगे। अभी तो कुछ निकल के नहीं आया, पर जाना पीएम कार्रवाई हो रही है, घर वालों से संपर्क हो रहा है, जो उनके साथी लोग मंडी में हैं वो लोग आप हम लोगों के साथ में हैं, सबसे सहयोग लेके जो सही में जिन्होंने ये कृत किया है, चाहे वो कोई भी मामला हो किसी तरह का हो, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, रासुका की कार्रवाई करेंगे। आरोप ये भी है कि सिपाही यहाँ पर बैठा हुआ था, उसके बावजूद सिपाही ने पकड़ने की बजाय उस जो है मौके से फरार हो गया, तो कहीं लापरवाही लगती है कि पुलिस पहले सिपाही बता रहे हैं यहाँ पर बैठा हुआ था, उस सिपाही का हम लोगों को नाम पता चल गया, उसके खिलाफ आज ही निलंबन की कार्रवाई की। सर कितने हमलावर बताया जा रहे हैं, कितने हमलावर घटनाओं कैसे अंजाम से? दो के करीब। किस तरह के हथियार सर यूज हुए बता रहे हैं, साइलेंसर वगैरह उसमें आगे लगे हुए थे सर? अब ये तो बहुत ज्यादा नहीं, अभी घटना आपके सामने, हम लोग आए पहले हॉस्पिटल में थे, जो भी अपराधी रहे हों, जो जिस असली से किया हो उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे सबके सहयोग से, और रासुका की कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी सलीम है। सलीम, उधर वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर काम कर रही है, जो सिपाही उनके पास बैठा था उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। बाइट मानसिंह चौहान, SP City, मेरठ।